दोस्तों, यदि आप भी मध्य प्रदेश में रहते हैं और अपना ज़मीन को केवाईसी करना चाहते हैं, अपनी आधार कार्ड और जो आपका समग्र आईडी है उससे आप लिंक करना चाहते हैं यानी ज़मीन की केवाईसी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे न पंचायत जाने की आवश्यकता है, न ही आपको पटवारी के पास जाने की आवश्यकता है। खुद आप अपने मोबाइल से आप ही कर सकते हैं अपने हाथ से। तो चलिए उस प्रोसेस को अपनाते हुए फास्ट करते हैं। यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है एमपी भूंडेक। एमपी भूंडेक आप जैसे ही सर्च करते हैं आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको इतना देखने को मिलता है। जब इसको हम बड़ा करते हैं तो आपको यहाँ पे साइड में आप देखेंगे कि लॉगिन आईडी मांगता है, डिपार्टमेंट मांगता है, पासवर्ड, कैप्चा कोड। लेकिन आपके पास तो लॉगिन आईडी है नहीं, डिपार्टमेंट भी आपको पता नहीं है, पासवर्ड पता नहीं है, कैप्चा कोड आपको डालना होगा। बट यहाँ पे पटवारी के पास और ग्राम पंचायत के पास सारा चीज़ होता है, बट आपके पास नहीं होता है। लेकिन आप खुद यहाँ पे एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो एफ पब्लिक यूजर पे आपको क्लिक करना है और यहीं से आपकी आईडी बनती है। तो देखिए, लॉगिन आईडी में आपको यहाँ पे कम से कम 2 या 3 अक्षर का नाम आपको डालना होगा। ऐसे आप डाल सकते हैं जैसे MR PKF, ऐसे आप ही कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, आप सारा चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप ही कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन आईडी आपको डालना है, प्रथम नाम डालना है और पिता का नाम डालना है, इसके बाद मध्य नाम अपना डालना है, अंतिम नाम डालना है। इस फार्म को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा चीज़ आता है, एड्रेस वगैरह सारा चीज़ आपको डालना है और जिला आपको अपना सेलेक्ट करना है, पिन, मोहल्ला, राज्य, जो भी आपको ये करना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपका ओटीपी आने के बाद कर देना है। फिर इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर या पंजीकृत कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक प्राप्त मैसेज होगा, उसमें आपकी लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतना ही नहीं बनता है, इसके बाद आपको ऐसे बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही वह मोबाइल पे जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिला हुआ है, जैसे ही यहाँ पे आप डालेंगे तो यहाँ पे आप डाल के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, पासवर्ड आप चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस अपनाना है। तो चलिए इस आईडी को हम लॉगिन करते हैं यहाँ तो पे। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके पास खसरा का केवाईसी करना है या नहीं करना है। यदि आपको करना है तो यस पे करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे आपका जिला मांग रहा है तो जिला आपको सेलेक्ट करना है। जिला के बाद आपको सेलेक्ट करना है तहसील, आपकी कौन सी तहसील रखते हैं उस तहसील को सेलेक्ट करना है, जहाँ पे जिस तहसील में जमीन है। तहसील के बाद आपको सेलेक्ट करना है आपका कौन सा गांव है, गांव आपका चयन करना होगा। जैसे ही आप गांव अपना चयन कर लेते हैं, जिस नाम से आपकी जमीन है आपको जमीन अपने नाम का सर्च कर लेना है। यहाँ पे नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जानकारी प्राप्त हो जाती है जमीन से रिलेटेड। जमीन से रिलेटेड प्राप्त हो जाते हैं तो यहाँ पे ई केवाईसी, भूमि ई केवाईसी करना है। हरा कलर का जो दिख रहा है उस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा ई करने के लिए। दोस्तों, आपकी जमीन की नंबर जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा। आधार कार्ड नंबर आपको डाल के यहाँ पे ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी जनरेट करने के बाद आपको फाइल में ओटीपी डाल देना है। तो प्राप्त ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के यहाँ पे जमा करें पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही आप करते हैं कुछ सेकंड बाद आपको तो यहाँ पे आपकी आधार कार्ड जो है यहाँ पे सत्यापन कर लिया जाता है। सत्यापन करने के बाद एक आपको पुनः आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। करने के बाद आपको यहाँ पे बढ़ना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक मोबाइल पे भी ओटीपी प्राप्त होगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर भी सफलतापूर्वक सेव कर लिया जाएगा और आपको एक ऐसा पेज
में देखने को मिलेगा। इस पेज को आप जैसे स्लाइड करते हैं ऊपर में तो आपके यहाँ पे नीचे एक कॉलम है टिक मारना हरा कलर और करने के बाद अनुमोदन कर देना है और करने के बाद ओके आपको कर देना है। ओके करने के बाद आपका सफलता पूर्वक अनुमोदन हेतु भेज दिया जाता है यानी आपके यहाँ पे KYC जो है सक्सेसफुल हो जाती है। तो वीडियो सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।